आदाब नौसरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीसे मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मोमिन की मेज़ान में हुस्न अख़लाक़ से ज्यादा भारी चीज कोई नहीं होगी, और यकीनन अल्लाह ताला बदज़ुबान और बेहूदगी करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। हदीस मुबारक तिर्मिज़ी। खबरों के आगाज से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन के मारूफ कांग्रेसी कायद मोहम्मद इलियास की टीआरएस में शमूलियत। एमएलए बोधन की कारकर्दगी और बेलोस खिदमत से मुतासिर होकर फैसला लिया हूं, मोहम्मद इलियास का बयान। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से टाटा इस डिवर्स में 175 राशन किट्स की तकसीम। हम शदीद मुश्किलात का शिकार थे, नाजुक में डिप्टी मेयर ने हमारी मदद की, सदर यूनियन का बयान। नंदीपेट में खवातीन में आजरा वजीफा जात की तकसीम। पोस्ट ऑफिस अमले ने तकसीम का नज्म किया। इस मौके पर खवातीन में सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी खुली देखी गई। रियासत में 45 दिन बाद शराब की दुकानों को खोल दिया गया। शराब की दुकानों पर आदि अफराद की तवील खतारे। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करवाने सख्त तरीन इकदाम। तफसील से बुधन के मारूफ कांग्रेसी कायद मोहम्मद इलियास की एमएलए बुधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों टीआरएस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि वो एमएलए के इंसान दोस्त रवैये से मुतासिर होकर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बुधन के मशहूर मारूफ कायद मोहम्मद इलियास ने कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए रुकन असेंबली बुधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि मोहम्मद इलियास का बुधन के खदावर कायदीन में शुमार होता है। साबिक में बोधन बल्दिया में वो काउंसलर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी अहलिया और वालिदा को भी काउंसलर रहने का एजाज हासिल है। इस बार उन्होंने बल्दी इंतखाबात में शिकस्त का सामना किया था। वो बोधन के मारूफ ताजिर घराने से ताल्लुक रखते हैं और बोधन के रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के बचपन के साथियों में से है, लेकिन सियासी मैदान में अब तक ये दोनों अलग अलग जमातों में सरगर्म थे। मोहम्मद इलियास ने कांग्रेस से अलहदगी और टीआरएस में शमूलियत की वजह बताते हुए कहा कि वो एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मोहम्मद शकील आमिर हमेशा ही गरीब आवाम की मदद के लिए पेश रहते हैं, लेकिन रियासत में लॉकडाउन के नफाज के बाद से एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की इंसान दोस्ती खुलकर सामने आई है। वो दिन रात गरीब आवाम की मदद के लिए सरगर्दां रहते हैं। इनका घर गरीबों के लिए हमेशा ही खुला हुआ रहता है। यहाँ पर भूखे को पेट भर खाना जरूर मिलता है, हत्ता के शहर के मौके पर भी गरीब मुसलमानों में खाने की तकसीम और मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का नाकाबिले नजरअंदाज सुनहरा काम है, और इनकी इसी इंसानियत नवाजी से मुतासिर होकर वो टीआरएस में इनकी जेर सरपरस्ती शामिल हो रहे हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने मोहम्मद इलियास का वालेहाना इस्तकबाल किया और कहा कि इनकी टीआरएस में शमूलियत के बाद टीआरएस बोधन में नाकाबिले शिकस्त बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इलियास हरकियाती और बेबाक कायद है और हमेशा अपने उसूलों पर सख्ती से डटे रहते हैं। इनके साबिका काउंसलर रह चुके हैं, आपके वालिदा रहने दीजिए, भावज रहने दीजिए, जो मेरी भी वालदा के बराबर है, मेरी भी भावज के बराबर है, उन लोग भी काउंसलर थे। इलियास भाई और मैं बहुत बचपन के स्कूल के दोस्त थे हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे ही अच्छी दोस्ती है। सिर्फ पार्टी अलग अलग थी, लेकिन कौमी खिदमत में रहने दीजिए, समाजी खिदमत में रहने दीजिए। वो शुरू से बोधन में बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी रही है, आगे बढ़ बढ़ के कई गरीब लोगों की मदद करें, बहुत अच्छे डायनामिक लीडर है, यंग लीडर है, और उनका साथ हमारे को मिलना बहुत हमारे लिए भी खुशनसीबी की बात है। उनको भी टीआरएस पार्टी में तहे दिल से मैं वेलकम करते हुए एक अच्छी से अच्छी पोस्ट जिससे वो आवामी खिदमत कर सके, वो पोस्ट भी उनको जल्द से जल्द इंशाल्लाह दी जाएगी, और उनका साथ हमको मिलना ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज टीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल किया मैं,
भाई, ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि खाने की जो तकसीम हो रही है रोजदारों में और बोधन के आवाम में, और जो फूड पैकेट्स यानी कि अनाज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही, ये सब चीज़ देख के खुशी हो रही। और मैं अपनी जानिब से कांग्रेस पार्टी छोड़ के पुरानी दोस्ती इंशाल्लाह ताला फिर रंग लाएगी, इंशाल्लाह बोधन के आवाम में, बोधन के मैंने के लोगों में फिर हमारी खिदमत यानी कि कंटिन्यू रहेंगी। मैं हारने के बावजूद भी MLA साहब बुला के मुझे इंकरेज करे, बोले आप नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लीडरशिप को ज़िंदा रखिए, आप पीछे मत हटिए, मैं आपके साथ हूँ, आप आइए, इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छे पोजीशन पे बोधन के आवाम के साथ रखूँगा, मैं आपको ये मुझको हिम्मत दे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के खिदमत खल्क के जज्बे की हर कोशिश से सताइश की जा रही है, कई हाथ इनके हक में दुआओं के लिए उठ रहे हैं। इस पर उन्होंने टाटा इसके 175 ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। काम वही कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं, लोगों की मदद करने की सादत भी इन्हीं लोगों को मिलती है जो सादा मिजाज और अल्लाह की रजा के लिए मदद का जज्बा रखते हैं। निजामबाद के जवांसाल डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान भी इन खुशनसीब इंसानों में शामिल हैं जिनसे अल्लाह ताला लॉकडाउन के बहाने इंसानों की खिदमत ले रहा है। हाल ही में उन्होंने दूसरी रियासतों के लोग जो पैदल सफर करते हुए अपने वतन वापस जा रहे थे, इनकी डिजिटल इमेज ज़ियाफ़त की और 100 से ज्यादा अफराद को फी कस 200 रुपए खर्च के लिए भी दिए। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ इसके दूसरे ही दिन से अपने पास पकवान घुरा कर वो मुसलसिल गरीब खानदानों में तकसीम करवा रहे हैं। दो दिन कबल 100 ड्राइवर्स में उन्होंने 150 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई और साथ ही महबूबाग विनायक नगर के 46 खानदानों में भी राशन किट तकसीम किए। अब टाटा एस यूनियन के सदर मोइनुद्दीन ने इनसे फोन पर रब पैदा किया और बताया कि टाटा एस गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स की हालात इंतहाई अबतर हो चुकी है और इनके खानदान भूख और फाकाकशी के शिकार बने हुए हैं, जिस पर मोहम्मद इदरीस खान मुतहर्रिक हुए और टाटा एस ड्राइवर्स में 175 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। मोइनुद्दीन ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जबरदस्त सताइश की और कहा कि हमारे दिल से इनके लिए दुआएं निकल रही हैं, इसका अल्लाह ही उनको बेहतर अजर दे सकता है और हर मामले में अल्लाह उनको कामयाब व कामरान बनाए। कोरोना वायरस की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से बहुत पूरे ड्राइवर्स ओनर्स परेशान थे। अब इस हसना में परेशानी का हाल बहुत बुरा था वो लोगों का, वो लोग मेरे पास आए आके ये अर्ज करने लगे, भाई हमारे को कुछ इमदाद कीजिए। तो मैंने कहा भाई थोड़े दिन ठहर जाओ, हमारे कुछ लीडरों से रब पैदा करने के बाद मैं बोलूँगा। तो मैं इदरीस साहब डिप्टी मेयर से रब पैदा किया, दो बार उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कि तुम्हारे आदमी कितने हैं ये बोलो। मेरे को बेहद खुशी हुई, पहली बार मैं फ़ोन करते उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव करके बोले कि तुम्हारे आदमी कितने हैं, बेहद खुशी हुई। हम लोगों को उन्होंने तकरीबन हमको 175 पैकेज हमारे को उनके एक खास आदमी अरशद साहब के जरिए हमारे घर पे उन्होंने पहुंचाए। हम पूरे लोग इस पैकेज को देखकर बहुत खुश हुए और पूरे लोगों में तकसीम करे और पूरे इदरीस साहब को डिप्टी मेयर को दिल से दुआएं देने लगे। अब हम इस उम्मीद पे थे कि लीडरों से रब पैदा के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर हमारे सिर्फ एक ही काल के ऊपर हमारे डिप्टी मेयर ने हम पूरे लोगों की इस तरह मदद की कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए। आज पूरे लोग उनको इदरीस खान साहब को दिल से दुआएं देने लगे। सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा ने कमिश्नर बोधन बल्दिया को एक मकतूब हवाले किया, जिसमें मजलिसी काउंसलर नसरिन जमील को फ्लोर लीडर मजलिस पार्टी नामजद करने की सिफारिश की गयी। मुशीर बाबा ने इस यकीन का इजहार किया कि नसरिन जमील की क़यादत में बोधन मसाइल की एक सुई होगी। सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा ने आज बोधन बल्दिया के कमिश्नर शिवानंद से मुलाकात करते हुए एक मकतूब उनके हवाले किया, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये सिफारिश मौजूद थी कि बोधन बल्दिया की कौंसलर नसरिन जमील को मजलिस का फ्लोर लीडर नामजद किया जाए। पादीजा मुशीर बाबा ने बताया कि नसरिन जमील साबिका कौंसलर राशिद खान की अहलिया हैं और इनको नुमाइंदगी का काफी तजुर्बा हासिल है।
सदर मजलिस बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैसी के अहकाम की तामील में नसरीन जमील को बोधन बल्दिया में मजलिस का फ्लोर लीडर नामजद किया जा रहा है। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि नसरीन जमील की क्यादत में मजलिसी काउंसलर्स बोधन में शानदार खिदमत अंजाम देंगे और बल्दी इजलासों में अपनी ठोस नुमाइंदगी पेश करेंगे। आज जनाब बैरिस्टर रसदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर बोधन का फ्लोर लीडर MIM से बोधन फ्लोर लीडर सैयदा जमील नसरीन को तय किया गया है। साहब की हिदायत पर आके मैं आज बोधन म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को इस बात की इत्तला दिया और लेटर पेश करा हूँ। सैयदा जमील नसरीन बैपाप मुस्ताफ राशिद साहब, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बेहतरीन अपनी कारगुजारी से खिदमत करेंगे। जमात इस्लामी बोधन की जानिब से दूसरे मरहले में राशन किट्स की तकसीम। अमीर मकामी जमात इस्लामी बोधन ने बताया कि जमात इस्लामी खिदमत खल्क को अहमियत देती है और इसमें दावत के पहलू को मद्देनजर रखती है। जमात इस्लामी बोधन की जानिब से अमीर मकामी सिराजुद्दीन की निगरानी में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाएगी। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि जमात इस्लामी खिदमत खल्क में हमेशा सरगर्म रहती है। रियासत में लॉकडाउन के बाद से जमात पूरी तेलंगाना रियासत में सरगर्म है और मुमकिन हद तक गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसी तरह बोधन शहर में भी जमात इस्लामी की ये खिदमत जारी है। पहले मरहले में जमात इस्लामी बोधन की जानिब से 164 किट्स की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है और साथ ही फीकस 400 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए नकद भी तकसीम किए गए हैं और अब दूसरे मरहले में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने अहले खैर हजरत से जमात इस्लामी के ताउन की अपील की। इस मौके पर आबिद फारूकी, आमिर जमाल, अब्दुल गनी, यूनुस अब्दुल्ला और दीगर मौजूद थे। खिदमत खल्क की जानिब से ये राशन किट की किट्स की तकसीम अमल में आ रही है और ये कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ने के बाद से जमात इस्लामी ने इससे पहले मरहले में 164 किट गरीब और ज़रूरतमंदों में हमने तकसीम किए और फीकस 400 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए भी हमने तकसीम किए। आज जमात इस्लामी बोधन दूसरे मरहले में जमात इस्लामी ने बोधन ने जो है 110 किट आज ज़रूरतमंदों में तकसीम करने का फैसला। नंदीपेट में खातिन में वजीफे की तकसीम के मौके पर सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी। पोस्ट ऑफिस मुलाजमीन ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। सियासी व समाजी कायदीन की जिम्मेदारी है कि वो इन नौखंदा खातिन की शोर बेदारी करें। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर ज़ईफ़ खातिन, बेवा खातिन, माजूरीन और बीड़ी वर्कर्स में वजीफे की तकसीम अमल में लाई गई। ये वजीफा पोस्ट ऑफिस की तवसुस से तकसीम होता है मगर नंदीपेट पोस्ट ऑफिस की इमारत छोटी होने की वजह से वजीफे की तकसीम का नज़्म नंदीपेट के सरकारी स्कूल में किया गया जहां वजीफे के हुसूल के लिए खातिन की बड़ी तादाद जमा हो गई। इन खातिन ने सोशल डिस्टेंस का कोई लिहाज नहीं रखा और सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए अपने वजीफे के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करती रही। यहां पर पुलिस मुलाजमीन भी मौजूद थे जो खामोश तमाशाई बने रहे। इन खातिन में बड़ी तादाद नौखानदा है, इनमें शोर बेदारी की जरूरत है लेकिन इनके शोर बेदारी के लिए कोई सियासी कायद या सामाजिक कारकुन दूर दूर तक नजर नहीं आया। ये हमारी क़यादत की बेहिसी है। कोरोना वायरस के खौफनाक खतरे की मौजूदगी में इस तरह की फाश गलती नाकाबिले नजरअंदाज है। इस सिलसिले में पोस्ट ऑफिस मुलाजमीन को भी जवाबदेही करनी होगी। शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। 45 दिन बाद शराब की दुकानें खोली गई तो शराब की दुकानों पर तवील खतारे नजर आई। हुकूमत और महकुमा एक्साइज ने भारी शराइत आयद की है। लॉकडाउन के बाद पहली बार जब शराब की दुकानें खुली तो इन शराब की दुकानों में शराब के खरीदारों की तवील खतारें लग गई। 45 दिन बाद शराब की ये दुकानें खोली गई। शराब के आदि अफराद की तो जैसे ईद ही हो गई और शराब के हुसूल के लिए लंबी कतारों में लग गए। जिले भर में शराब की जुमला 51 दुकानें हैं जिनके लिए हुकूमत और महकुमा एक्साइज ने कुछ अहम हिदायतें जारी की है जिनमें सबसे अहम शर्त सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करवाना शराब की दुकान की मालिकिन की जिम्मेदारी है। जो शख्स सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी करता है उसको शराब ना देने के सख्त अहकाम है। इसके अलावा शराब के खरीदार के लिए मास्क लगा कराना भी जरूरी है। साथ ही तमाम दुकानों में सैनिटाइजर रखने के भी अहकाम दिए गए।
जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी होती है उसको सील कर देने का इंतबाह दिया गया है। लिहाजा शराब की दुकानों के सामने तवील फासले तक दायरे बनाए गए हैं, जो एक एक मीटर के फासले से बनाए गए हैं। शराब के खरीदार के लिए लाजमी है कि वो दायरों में ही खड़ा रहे और एक एक दायरा करते हुए आगे बढ़े और अपनी बारी आने पर शराब की खरीदारी करे। शराब की खरीदारी के लिए हर उम्र के लोग कतार में नजर आए। बाज मुकामात पर खातिन को भी शराब खरीदते हुए देखा गया है। शराब की कीमतों में इजाफा भी देखा गया, जिसके ताल्लुक से बताया गया कि ये इजाफा हुकूमत की जानिब से ही किया गया। इसके बावजूद भी लोगों को बड़ी मकदार में शराब खरीदते देखा गया है। नाज़रीन अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार वो माहिर डॉक्टर हम आपकी खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद एमबीबीएस एमडी पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत करदोकर एमजी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माह डॉक्टर अरुणा करदोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाएं, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515116333 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462522322 और 220322 पर रब पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शान अहतमाम किया जाता है। हम अक्साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुक जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897 4 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और मियारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। बांसवाड़ा मुस्तकर के गोल्ड स्मिथ शॉप में चोरी की वारदात। चोरों ने करीब 90,000 रुपए चांदी और सोने की चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। बांसवाड़ा मुस्तकर की गोल्ड स्मिथ शॉप पर चोरी की वारदात पेश आई। चोर अखबी हिस्से से इस दुकान में दाखिल हुए और दुकान के तमाम सामान तितर बितर कर दिया और दुकान में मौजूद चांदी के जेवरात और सोने की थोड़ी मकदार के अलावा 2000 रुपए नकद चोरी कर लिए। दुकान के मालिक संतोष ने बताया कि चोरों ने दुकान में रखी हुई चांदी के अलावा 7 माह से तक का सोना और 2000 रुपए नकद चोरी कर लिए। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुकान से करीब 90,000 रुपए मालियती चांदी और सोने की चोरी की गई है। संतोष ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और तहकीकात कर रही है और इस बात का तय खून दिया गया कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। రెడీమేడ్ వస్తువులు ఏం ముట్టలేదు వాడు. వడ్డీ వెండి బంగారం ఏవేవి ఉన్నాయో తీసుకెళ్ళాం. 2000 రూపాయల దాకా క్యాష్ ఉంది సార్. హుకుమతి అహకామాత్ కే ముతాబిక్ షరాబ్ కి దుకానే ఖోలీ జా చుకీ హై. ఖరీదారో కే హుజూమ్ కే పేషే నజర్ పోలీస్ కా బందోబస్త్. ఎంపీడిఓ నే కహా కే ఖరీదారో కో మాస్క్ లగానా జరూరీ హై ఔర్ సోషల్ డిస్టెన్స్ పర్ అమలావరీ భీ లాజ్మీ హై. हुकूमती अहकामात के मुताबिक रियासत भर में शराब की दुकानों को खोल दिया गया। रंजर मंडल मुस्तकर पर भी शराब की दुकानें खोली गई है। इस मौके पर एमपीडीओ ने बताया कि शराब की दुकानों पर गहरी नजर रखी जा रही है। ये दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। इन दुकानों पर
आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनकर आना जरूरी है, वरना जुर्माने आयद किए जाएंगे। साथ ही शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की पाबंदी भी लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाली शराब की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब की कीमतों पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो शराब की खरीदारी में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे, क्योंकि ये दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मुसलसिल खुली रहेगी। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। इनके हमरा तहसीलदार असदुल्ला खान, एसआई शंकर, एमपीओ मोइनुद्दीन और दिगर मौजूद थे। रेंजल मंडल राष्ट्र प्रभुत्वम लॉकडाउन దానికి ఆంక్షలతో కూడినటువంటి దుకాణాలు తెరిచే దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు రెంజల్ మండల వైన్స్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు, వారు ఇచ్చిన సూచనల మేరకు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు రెవెన్యూ తహసీల్దార్ గారు, మేము అందరం కూడాను కలిసి ఈ షాపు ఓపెనింగ్ నుంచి వాళ్లకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళు నడపాలనేటువంటిది ఇస్తూ ఇది రోజు కూడా ఇదే విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి, లేనట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ షాపును మూసివేయబడుతుందని వాళ్ళకు గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. షరాబ్ కి దుకాణం పర్ మాస్క్ పెహన్ కర్ ఆనా లాజ్మీ హై ఔర్ సోషల్ డిస్టెన్స్ పర్ అమలావరి భీ జరూరీ హై. ఖిలాఫ్ వర్జీ పర్ సఖ్త్ కార్వాయి హోగీ. నవీపేట్ ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్ లోగా ఖరీదారో ఔర్ దుకాందారో కో ఇంతబా. ఉన్హోనే కహా కి హుజూమ్ కే జమా హోనే కి ఇజాజత్ నహీ హోగీ. నవీపేట్ మే షరాబ్ కి దుకాణో కో హుకూమతి అహ్కామాత్ కే బాద్ ఖోల్ దియా గయా హై और शराब के शौकीन अफराद ने इन दुकानों पर अपनी खतारें लगा दी। पुलिस की जानिब से तमाम शराब की दुकानों पर जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त रखा गया है, साथ ही दिगर एहतियाती इकदामात भी किए गए हैं। इस ताल्लुक से तफसीलात बताते हुए नवीपेट एसआई वेंकटेश्वर लो ने कहा कि हर शराब की दुकान पर सैनिटाइजर रखवाए गए हैं और शराब की दुकान में काम करने वालों को ग्लोवस पहनने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि शराब की खरीदी के लिए हुजूम की शक्ल में एक जगह जमा होने की इजाजत नहीं दी जाए। शराब की दुकान के बाहर दायरे बनाए गए हैं, लोगों को इन्हीं दायरों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी लाजमी है। उन्होंने बताया कि बगैर मास्क के शराब की खरीदी के लिए आने वालों को खतार से निकाल दिया गया है और सख्ती से हिदायत दी गई है कि बगैर मास्क के कोई भी शराब की खरीदी के लिए ना आए। इस मौके पर लोगों को एहतियातन भारी मकदार में शराब की खरीदी करते हुए देखा गया है। पब्लिक अंदर सारे मद्यों की वे अवकाश మేము వైన్ షాప్ యజమానులకు కూడా పలు సూచనలు చేయడం జరిగింది. అది ఏమిటి అంటే ప్రతి షాప్ దగ్గర 4-5 ఫీట్ల దూరంలో సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసే విధంగా ముగ్గు లాంటిది, సున్నం లాంటిది వేపేయటం, అదేవిధంగా ఈ వైన్ షాప్ దగ్గర శానిటైజరు, అదేవిధంగా వాటరు, సోపు ఇట్లాంటి ఏర్పాటు చేయటం, వైన్ షాప్లో పనిచేసే సిబ్బంది అందరూ కూడా గ్లౌజెస్ ధరించడం, మాస్కులు ధరించడం, ఇట్లాంటి అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వైన్ షాప్ దగ్గర ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వాలంటీర్లను కూడా పెట్టుకోవాలని కూడా మేము సూచించడం జరిగింది. మా తరఫున, మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము పటిష్టమైనటువంటి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పటిష్టంగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నవీపేట్ మే 45 దిన్ బాద్ ఫిర్ సే షరాబ్ కి దుకానో కా ఆగాజ్. షరాబ్ కి దుకానో పర్ तवील खतारे. मकामी सरपंच श्रीनिवास ने इन दुकानों का जायजा लिया और लॉकडाउन वो सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए शोर बेदारी की. नवीपेट मंडल मुस्तखर पर शराब की दुकानों का आगाज हुआ. इस मौके पर खरीदारों की तवील खतारे देखी गई. मकामी सरपंच श्रीनिवास ने सूरत हाल का जायजा लिया और शराब की खरीदी के लिए आने वालों में शोर बेदारी की. उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से करीब 45 दिन शराब की दुकानें बंद रही, लेकिन अवामी तलब को देखकर हुकूमत ने शराब की दुकानों को चलाने का हुक्म दिया, मगर कोरोना वायरस के खतरात बरकरार है, लिहाजा रियासती हुकूमत ने 29 मई तक लॉकडाउन को तौसी दी है. लिहाजा लाजमी है कि हम लॉकडाउन की पाबंदी करें और बिलखुसूस सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमलावरी करें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए महंगी साबित हो सकती है. उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी करवाना शराब की दुकान के मालिकीन की भी जिम्मेदारी है, वरना महकमा जाति सतह पर शराब की दुकानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर.
टीएनजीओ जिले हैदराबाद की जानिब से चेस्ट हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल के फोर्थ क्लास मुलाजिमिन में राशन किट्स की तकसीम सदर टीएनजीओ एसएम हुसैनी मुजीब ने बताया कि ये अमला लॉकडाउन से मसाइल का शिकार हो गया है। टीएनजीओ हैदराबाद की जानिब से चेस्ट हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले फोर्थ क्लास मुलाजिमिन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हैदराबाद टीएनजीओ के जिले सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने बताया कि इनकी जानिब से 10,000 राशन किट्स की तकसीम का निशाना मुकर्रर किया गया है और ताहल 6,700 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से फोर्थ क्लास मुलाजिमीन मुश्किलात का शिकार है, इनकी इमदाद लाजमी थी, लिहाजा इनमें राशन किट्स की तकसीम का फैसला लिया गया। मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में तिब्बी शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले फोर्थ क्लास मुलाजिमीन में इन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर चेस्ट हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट्स भी मौजूद थे। तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करते हुए आज तेलंगाना एनजीओ यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर के हिसाब से मैं चेस्ट हॉस्पिटल और मेंटल हॉस्पिटल का जो हमारा स्टाफ है, जो चौथी जमात के मुलाजिमीन है, जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के सिक्योरिटी गार्ड से इन लोग को आज आना बांटा गया, जिसमें चावल है, तेल है और आटा है, इमली है, चाय की पत्ती है, शक्कर है, मसूर की दाल है, बेसन है, या दीगर चीज़ें जो भी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में काम आने वाले चीज़ें वो तमाम दिए गए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बोधन के मारूफ कांग्रेसी कायद मोहम्मद इलियास की टीआरएस में शमूलियत, एमएलए बोधन की कारकर्दगी और बेलोस के बाद से मुतासिर होकर फैसला लिया हूं, मोहम्मद इलियास का बयान। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जानिब से टाटा इस डिवर्स में 175 राशन किट्स की तकसीम, हम शदीद मुश्किलात का शिकार थे, नाजुक में डिप्टी मेयर ने हमारी मदद की, सदर यूनियन का बयान। नंदीपेट में खवातीन में आसरा वजीफा जात की तकसीम, पोस्ट ऑफिस अमले ने तकसीम का नज्म किया, इस मौके पर खवातीन में सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी खुली देखी गई। रियासत में 45 दिन बाद शराब की दुकानों को खोल दिया गया, शराब की दुकानों पर आदि अफराद की तवील खतारे, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करवाने सख्त तरीन इकदाम। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।